सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूँ, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजबान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन, धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.